11 ने ये मैच जीत लिया है। शुमाली वजीरिस्तान में छक्कों चौकों की बरसात, कौमी स्टार्स के साथ साथ इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने भी खूब रंग जमाया, शायकीन भी तारीखी मुकाबले से खूब महसूस हुए। बॉल हवा में। डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं आर्मी चीफ की ख्वाहिश थी कि शुमाली वजीरिस्तान में मैच हो, मीरन शाह में अमन कायम हो चुका है। इट्स अ ड्रीम कमिंग ट्रू, द वर्ल्ड हैड जस्ट लिसनड अबाउट यू नो मीरान शाह एंड नॉर्थ वजीरिस्तान एंड द टेररिज्म दैट वी हैड हियर, बट टुडे द वर्ल्ड इज सीइंग दैट टेररिज्म इज नो मोर एंड नॉर्थ वजीरिस्तान मीरान शाह is as good as any other part of Pakistan. फातेह कप्तान इंजमामुल हक कहते हैं कभी सोचा भी नहीं था कि वजीरिस्तान में मैच खेलेंगे, कामयाब मैच से साबित होता है कि हम मुल्क के किसी खित्ते में भी मैच करवा सकते हैं। जबरदस्त चीज थी आज मैच में कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि जी वजीरिस्तान में आके मैच खेलेंगे और 25 से 30 हज़ार लोग आएंगे, इस तरह का क्राउड होगा, इस तरह का ग्राउंड होगा और इस तरह पूरा अमन होगा। मैसेज सारी दुनिया को गया कि जी हम अपने पाकिस्तान के किसी भी खिते में मैच करवा सकते हैं। यूके मीडिया 11 के कप्तान पीटर ओब्रायन कहते हैं पाकिस्तान एक दिलचस्प टीम है, ग्रीन शर्ट्स के खिलाफ खेलना एजाज की बात है। Is the most exciting cricket team in the world and played with such joy, so to be alongside these great men is a real honor for us. मैच के इख्तिताम पर गवर्नर केपीके इकबाल जफर झगड़ा ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। बूम बूम शाहिद आफरीदी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड ले उड़े और इनका बिल्कुल गुजारा नहीं होता मैं तो मैच के बगैर, शाहिद खान आफरीदी। बेहतरीन बल्लेबाज का अवार्ड उमर अमीन जबकि बेहतरीन बॉलर का अवार्ड जुनेद खान को दिया गया।